हेलो एवरीवन, जैसा कि आप देख रहे हो कोल इंडिया का चार्ट सामने में लगा हुआ है। ठीक है, तो ट्यूसडे वाले दिन क्या कीजिएगा आप लोग, तो ध्यान दीजिए। अगर मार्केट यहाँ से मार्केट अगर क्लोज करता है इस एरिया के पास, मतलब कल के डेट में अगर मार्केट इस एरिया में सॉरी कल के डेट में मार्केट अगर इस एरिया के पास खुलता है और इस तरीके से यहाँ पर ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होता है, वैसे कि इसमें आप लोग अपसाइड का ट्रेड बनाना। ठीक है, इस तरीके से आप अपसाइड का ट्रेड बनाइएगा। एसएल क्या रखिएगा, तो एसएल जस्ट इसके नीचे का रखना। यही रेड कैंडल एसएल के साथ। ठीक है, अगर यहां ग्रीन कैंडल बनी तो, अगर अभी लाइव मार्केट में अभी 2:25 हो रहा है और अभी अगर आपको ऐसा ग्रीन कैंडल बनता हुआ दिखे तो आप लोग अपसाइड का ट्रेड बनाना यही रेड कैंडल एसएल के साथ। ध्यान रहे कि अगर यहाँ पर ग्रीन के जगह पर रेड कैंडल बन गई तो वैसे केस में आप इस एरिया तक का ट्रेड बना सकते हैं। ये लेवल्स जो भी आपको लेवल्स दिया जा रहा है, ये लेवल मार्क कर लें आप, ये आपका लेवल कल के लिए वैलिड होगा। ठीक है, 359.70 का और 355.55 का। ठीक है, ये लेवल मार्क कर लें आप लोग, और ऑरेंज लाइन के पास भी जो लेवल है उसे भी मार्क कीजिए, 351.60 का। और ये रहा आपका पर्पल लाइन, 349.05 का। क्लियर। और अगर कल के डेट में गैप डाउन खुली मार्केट, मतलब गैप अप ना, मतलब रेंज में ना खुलकर पता चला मार्केट गैप डाउन खुलती है और इस एरिया के पास जाकर रुक रही है मार्केट, ठीक है, तो इस एरिया में देखिएगा अगर ग्रीन कैंडल बन रहा है इस तरीके से, ग्रीन कैंडल की फॉर्मेशन हो रही है, तो उस केस में आप अपसाइड का ट्रेड बनाना, उस केस में आप अपसाइड का ट्रेड बनाना। और एसएल बस यही पर्पल लाइन के जस्ट नीचे, ये रेड कैंडल एसएल। ठीक है, सिंपल इस तरीके से आपको लेवल यूज़ करना है। यही रेड कैंडल एसएल के साथ आपका व्यू अपसाइड का होगा। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। और शाम को M6 मार्केट के लिए मैं लाइव आती हूँ, तो लाइव ज़रूर ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।